Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, फेमस सीरियल रामायण जब से दूरदर्शन पर दोबारा शुरू हुआ है, हर कोई इस सीरियल के पुराने स्टार कास्ट के बारे में जानने को उत्सुक है। कभी असलम खान तो कभी अरविंद त्रिवेदी तो कभी बालिका रोल निभाने वाले अभिनेता के बारे में लोग सर्च करते रहते हैं। आपने राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका के बारे में बहुत सुना होगा, पर आज हम आपको बताएंगे रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाने वाली अभिनेत्री अपराजिता भूषण के बारे में। अपराजिता भूषण के वर्तमान रूप को देखकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये वही मंदोदरी हैं जिन्होंने रामायण में रावण की पत्नी का किरदार निभाया था। अपराजिता मशहूर अभिनेता भारत भूषण की बेटी है। अपराजिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पिता भले ही अभिनेता थे, लेकिन उनका मन अभिनय में जाने को नहीं था। वो डबिंग करती थी, लेकिन पति के निधन के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त उनके दो बच्चे थे। रामानंद सागर ने अपराजिता को रावण की पत्नी मंदोदरी के ऑडिशन के लिए बुलाया और फिर अपराजिता इस शो से जुड़ी। इतने बड़े अभिनेता की बेटी होने के बावजूद उन्हें कठिन ऑडिशन से गुजरना पड़ा था। रामायण में काम करके उनकी लाइफ बदल गई। कई बड़ी फिल्मों के ऑफर उन्हें मिले। अपराजिता ने 10 साल तक इस इंडस्ट्री में काम किया और 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपराजिता को आखिरी बार फिल्म गुप्त में देखा गया था, लेकिन फिर अपराजिता का मन अभिनय में नहीं लगा और उन्होंने आध्यात्म की राह पकड़ ली।